प्रीता ले आए शैलिन की असली सच्चाई सबके सामने और कह देगी शैलिन को पृथ्वी का पति, जिसे सुनकर हिल जाएगी कृतिका और करीना बुआ। लेकिन करण को फंसाने के लिए पृथ्वी चलेगा एक बड़ी चाल और फंसा देगा क्रिकेट के सट्टेबाजी के एग्जाम में करण को और हो गई करण को जेल। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण के BCL की क्रिकेट की टूर्नामेंट में पूरा लूथा परिवार काफी ज्यादा खुश होगा और शैलिन जब पृथ्वी के आने की खुशी में पृथ्वी से मिलने के लिए पृथ्वी के कमरे में जाएगी, तभी कृतिका किचन से पृथ्वी के लिए ब्लैक कॉफी बनाकर पृथ्वी के कमरे में आ रही होगी, जिस वजह से जब शैलिन कृतिका के आने की आवाज सुनेगी तभी शैलिन पर्दे के पीछे छुप जाएगी। लेकिन जब कृतिका पृथ्वी को ब्लैक कॉफी देगी और कहेगी कि पृथ्वी जी आपको ब्लैक कॉफी चाहिए थी ना, ये लीजिए आपके लिए मैं ब्लैक कॉफी बनाकर लाई हूँ, तभी जब पृथ्वी ब्लैक कॉफी लेगा तभी ब्लैक कॉफी को अचानक से फेंक देगा और गुस्से से कृतिका को कहेगा गेट लॉस्ट, यहाँ से चली जाओ। तब यह सुनकर कृतिका को काफी बड़ा शॉक लगेगा और कृतिका बिना कुछ बोले पृथ्वी के लिए रोती हुई चली जाएगी। लेकिन जब शैलिन पृथ्वी को कहेगी कि अब तुम कृतिका से दूर रहना और अब पहले की तरह गलती मत करना, तब यह सुनकर पृथ्वी कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन जब शैलिन कमरे से बाहर चली जाएगी और प्रीता पृथ्वी के आने के बाद काफी ज्यादा पृथ्वी को लेकर टेंशन में होगी, तभी पृथ्वी प्रीता का उतरा हुआ चेहरा देखेगा और तभी पृथ्वी को करण को बर्बाद करने के लिए दिमाग में आइडिया आएगा। यहाँ पर जब पृथ्वी अपने कमरे में कार की चाबी ढूंढने के लिए जाएगा तभी वहाँ शैलिन आ जाएगी और शैलिन जब पृथ्वी को कार की चाबी ढूंढते हुए देखेगी और उछल कर शैलिन के पास कार की चाबी जाएगी, तभी शैलिन कार की चाबी अपने हाथ में लेती हुई पृथ्वी को कहेगी कहाँ जा रहे हो, तब पृथ्वी कहेगा कहीं नहीं मैं तो यही हूँ शैलिन बेबी तुम्हारे पास। यह सुनकर शैलिन कहेगी यह नाटक बंद कर दो, अभी भी तुम्हें समझा रही हो और तुम्हें लग रहा होगा कि जब से मैंने ऋषभ लूथा से शादी की है तब से मैं इन लूथास की तरह पागल हो गई हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इसके लिए अब तुम जो भी करने वाले हो या फिर करोगे पहले मुझे बता देना, फिर बाद में तुम तुम्हारा काम करना। यह सुनकर पृथ्वी कहेगा हाँ बेबी, ऋषभ लूथा का तो तुम्हें पता है ना कि मैंने ऋषभ लूथा को कहाँ भेज दिया था, जहाँ से वो कभी नहीं आ सकता। इसलिए अब इस लूथा परिवार के एक दूसरे चिराग की बारी है और यह दूसरे चिराग यानी कि करण लूथा का मैं ऐसा हाल करूंगा कि उसने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, और इसके लिए मैं अभी बाहर जा रहा था करण लूथा को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। उसकी ऐसी नस पकड़ूंगा जिससे उसे काफी जोर से दर्द हो और पूरा लूथा परिवार उस दर्द से मर जाए, यानी कि एक तीर से कई सारे निशाने लगे। यह सुनकर शैलिन के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब करण क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए जब बाहर जाएगा और तभी पृथ्वी करण का पीछा करते हुए अपने एक आदमी को हाथ में पैसे लेकर करण के पास भेजेगा और वो आदमी करण को पता ना चले ऐसे पैसों के साथ गले लगा लेगा और पृथ्वी पैसों के साथ करण और उस आदमी का फोटो खींच लेगा। तभी उसी फोटो का फायदा उठाकर पृथ्वी करण को क्रिकेट की टीम में BCL में पैसे की घूस लेने के झूठे इल्जाम में पृथ्वी करण को फंसा देगा और करण पर सारे लोग यहाँ तक कि पूरी इंडिया क्रिकेट के नाम पर थू थू करेंगे और करण का पूरा स्टारडम नीचे जमीन पर गिर आएगा। लेकिन लूथा हाउस में जब प्रीता करण के खिलाफ बोलेगी तभी शैलिन पृथ्वी के बारे में कुछ भी नेगेटिव ना सुन पाने की वजह से पृथ्वी की बार बार साइड लेगी, जिस वजह से प्रीता इनडायरेक्टली शैलिन की सच्चाई सबके सामने लाती हुई कहेगी कि क्या तुम पृथ्वी की वाइफ हो जो तुम उसकी बार बार साइड ले रही हो। यह सुनकर खुद शैलिन करीना बुआ राखी माँ कृतिका सबके होश उड़ जाएंगे और कृतिका गुस्से से कहेगी हाउ डेयर यू प्रीता। तब प्रीता कहेगी तुम क्या पागल हो, तुम्हें शैलिन पृथ्वी के बीच में क्या चल रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा। तब यह सुनकर कृतिका कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली शैलिन की असली सच्चाई सबके सामने प्रीता ला कर रख देगी। लेकिन अगर पृथ्वी करण को बर्बाद करने में कामयाब हो गया और करण को जेल हो जाएगी तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, और अब शैलिन की असली सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और आप करण प्रीता को पहले की तरह एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।